मैं यहाँ एंट्री हुआ और जब मैंने ये देखा भाई गजब हिला। इसमें चावल रखे जाते थे और इस टाइप से कुछ बर्तन मेरे भी गांव में आज भी मिल जाएंगे आपको। और ये देख सकते हो ये है बर्तन और ये सामने देख रहे हो एक कढ़ाई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे आपको गांव के कुछ वाइब्स देखने को मिलेंगे और काफी यहाँ पे आर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं यहाँ के एंट्री गेट और चलो अंदर एंट्री लेते हैं। तो आप अंदर का पोर्शन देख सकते हो एंट्री से लेने से पहले। इस म्यूजियम के अंदर आपको गांव के वाइब्स काफी देखने को मिल जाएंगे और वेल वैसे भी गांव तो आज के डेट में सिटीज बनते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हम गांव को आप म्यूजियम के अंदर ही हम देखेंगे। तो सो यहाँ पे वही गांव के फील दिए गए, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे कैसे यहाँ पे गांव के झोपड़ीज के हट के डिजाइनिंग है। पूरा राजस्थानी कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने अभी सॉन्ग सुना तो ये पूरा राजस्थानी कल्चर में पूरा ट्रिप सॉन्ग था, है ना। और गाइस एक चीज़ और बताऊँ, मैं इस क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर आया हूँ, जैसे मैंने बताया था आप यहाँ जब आओगे तो आपको गांव वाली फीलिंग आएगी। सच में गाइस ऐसा लग रहा है मैं गांव के अंदर आया, पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है। देखो सामने आप देख सकते हो, अब यहाँ से एंट्री करूँगा तो मैं आपको गाँव वाली फीलिंग दिलवाता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये ऊँट वाली गाड़ी है। इसमें ऊँट को बांधकर तब लेके जाया करता था। और ये बैलगाड़ी ये सेम ये वहाँ भी है कुछ। और जो आप ये सामने में हट देख रहे हो ये पहाड़ी इलाकों में ऐसे घर आज भी बनाए जाते हैं, खासतौर पर मैंने ये नेपाल में देखे और हिमाचल प्रदेश साइड में आज भी इस टाइप्स के घर कुछ बनते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है यार, देखो कितने सुंदर डिज़ाइन से बनाया। और इस टाइप से जो घर होते हैं ना, इस टाइप के जो हट होते हैं, ज़्यादातर गुजरात में इस टाइप के घर ज़्यादा बनाए जाते हैं। और देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं। सो दोस्तों कुछ इसी टाइप से आपको यहाँ पे क्राफ्ट देखने को मिलेगा और लगेगा एक्चुअल आप पूरे गाँव के अंदर फीलिंग आए। और साथ साथ में आप देख सकते हो ये गाँव का जो घर का आंगन होता है, उसी आंगन के बीच में जो होता है पिंडा, जिसे हम तुलसी की पूजा की जाती है, सेम वही लग रहा है। और बिल्कुल लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपने घर के अंदर आ गया, बिल्कुल ही गांव वाली फीलिंग आ रही है गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के जो भी गांव। गाइस सच में ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे हम गांव के अंदर आ चुके हैं और ये पूरे गांव का मोहल्ला कॉलोनी जिसे जो भी कहते हैं वो वाली फीलिंग आ रही है गाइस। इसी कारण गाइस गाँव के अंदर सच में वो वाइब है जो दिल को सुकून देता है। शहरों के अंदर बहुत ज्यादा भाग दौड़ है पर गाँव के अंदर भाई वॉट ए फीलिंग यार, जो क्या बताऊँ यार। इसी वजह से लोग गांव की तरफ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ एक्चुअल में सुकून मिलता है रहने का। बट गांव में रोज़गार नहीं है इस वजह से लोग शहरों की तरफ आते। बट भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह ने, इस नेशनल म्यूजियम क्राफ्ट ने फील दे दिया बिल्कुल उसका गाँव का। जिस टाइप से बर्तन होते हैं ना गाँव में, उस टाइप से यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ये इसमें चावल रखे जाते थे और इस टाइप से कुछ बर्तन मेरे भी गाँव में आज भी मिल जाएंगे आपको। और ये देख सकते हो ये है बर्तन और ये सामने देख रहे हो एक कढ़ाई है। और ये भाई कितनी बड़ी कढ़ाई है भाई, ये वो कढ़ाई है जिसके अंदर दावत के लिए खाना बनाया जाता था। सेम ये देखो ये है बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी और भाई। दोस्तों स्वागत है आपको मेरे छोटे से प्यारे से घर में। देख सकते हो दोस्तों इतना प्यारा सा घर है। एक चीज़ और बोलूँ दोस्तों, घर महलों की तरह नहीं होना चाहिए, घर बेशक छोटा सा ही हो प्यारा सा ही हो पर सुकून जरूर होना चाहिए। वेल मैं बता दूँ इस घर का नाम है कदवा कुटीर, इसलिए इस घर का नाम है कदवा कुटीर क्योंकि इसमें आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो किस तरीके से लकड़ियों पर डिज़ाइनिंग बनाई गई है और देख सकते हो किस तरीके से नक्काशी करी गई है इस घर के अंदर। तो कितने शानदार तरीके से, कितने प्यारे तरीके से इस घर को डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो घर बनाओ गाइस
प्यारा सी बनाओ, इस टाइप से ही बनाओ, पर सुकून जरूर होना चाहिए। बाकी देख सकते हो गाइस कितना प्यारा सा घर है। दोस्तों इस पूरे गांव को घूमने के बाद अब आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो उसी कल्चर से रिलेटेड जो गांव में जो मिलते हैं उसी टाइप से यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो ये कुछ कपड़े हैं यहाँ पर और ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हो। एंड देन ये है यहाँ पे, ये भी है और ये कुछ कपड़े हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये है, प्लस यहाँ भी है ये रे, और कुछ ये रहा हैंडीक्राफ्ट है काफ़ी डिजाइनिंग से। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बांस के लकड़ी होते हैं ना उनसे बनाए गए हैं ये कोलू। और यहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिल जाएगी संग्रहालय में, सेम यहाँ भी है ये कल्चर। और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, कितना मस्त लग रहा है ये देखने में। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, सब हैंडमेड है, हाथों से बनाया गया है ये पूरे डिजाइनिंग्स। ये देखो और ये सब देख रहे हो, ये फाइबर है, ये पूरे कपड़ों के डिजाइनिंग से और ये पूरे कपड़ों के डिजाइनिंग में दर्शाया गया है। और ये काफ़ी एंशियंट टाइप का राजा महाराजाओं का है, काफ़ी देख आप देख सकते हो, देखने से पता चला कि तो पुराना सा है और उस टाइप से डिजाइनिंग दर्शाया गया है इसमें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद आप भी देख के हैरान हो जाए। मैं यहाँ एंट्री हुआ और जब मैंने ये देखा भाई गजब हिला डाला। तो मैं इसके बारे में बता दूँ, ये जो आप सारे क्राफ्ट देख रहे हो ये उन देवी देवताओं को के हैं जिन्हें जंगली ट्राइब्स पूजा करते थे, देख सकते हो ये कितना शानदार लग रहा है भाई, देख के यहाँ पे मजा आ गया। आई होप दोस्तों आपको नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। दोस्तों काफ़ी अमेजिंग जगह थी, मुझे देख के एक मिनट के लिए फील ऐसा लगा कि मैं गांव के अंदर आ गया हूँ, पूरा गांव वाली वाइब आ रही है यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें जो देखी मैंने, मुझे एंशियंट वाली फीलिंग आई देखकर। और दोस्तों कैसी लगी ये जगह आपको और कैसा लगा क्राफ्ट म्यूजियम कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।